अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। तो आजकल एक चीज़ बहुत वायरल हुई है सोशल मीडिया पे और ट्रेंडिंग नंबर वन पे जा रही है काशीज को लेकर। तो ये काशीज का और किसी का आपस का मसला था जिसमें मुझे बहुत शदीद तरीके से घसीटा जा रहा था काफ़ी टाइम से, और मैं चुप थी, हमेशा की तरह मैं चुप थी। मैंने कभी नहीं बात की कि आप लोग मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बात आ गई है कि लोग पैसे लेकर काशीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो काशीज जो सैलून है उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम बोलता है, उनका काम ही उनका पैसा है, ठीक है। उनके काम से उनका नाम है, उनके पैसे से उनका नाम नहीं है। और मैं हमेशा से उसको फर्स्ट चॉइस पे रखती हूँ, और जब मैं टिकटॉक पे बिल्कुल नहीं आई थी मैं तब से काशीज पे जा रही हूँ। आज बहुत टाइम हो गया, लोग तो अभी एक दो बार गए हैं तो वो रिव्यू दे रहे हैं, मैं बहुत टाइम से जा रही हूँ। तो इसके नीचे प्लीज ये लाइन ना लिखिएगा कि लड़कियों के लड़की को सपोर्ट नहीं करी और ये ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे अलावा भी बहुत लड़कियां गई हैं। जब मुझे ये टॉपिक का पता चला तो मैंने बहुत सी लड़कियों को मैसेज किया जो काशीज पे मेरे कहने की वजह से गई थी, और मैंने उनको बोला कि शायद मैं गलत हूँ और आप लोग मुझे बताओ क्या आपके साथ ऐसा बिहेव हुआ जैसा बोला जा रहा है, लाइक कमीज ऊपर नीचे ये वो ब्ला ब्ला, और क्या सैलून में लड़के नजर आए आपको। तो मुझे बहुत अच्छे से रिस्पांस आया कि हम तो बहुत सेटिस्फाई हैं, हमें तो कभी ऐसे नहीं कहा। इवन हम लोग कपड़े अपनी मर्जी से पहनते हैं, गला नंगा करना है खुद करते हैं, हमें कोई मजबूर नहीं करता। पेट नंगा करना है खुद करते हैं, हमें कोई मजबूर नहीं करता। तो आप लोग किसी के काम, उनका जो पैसा है ना वो उनका काम है, मैंने ये पहले एक बात बोल दी है, तो उनको पैसे देने की जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जब से काशीज लाहौर में आया तो बहुत से सैलून जो हैं उनको आग लग गई है कि काशीज जो है वो लाहौर में आ गया, तो किसी को पैसे देकर उनकी बुराई करवाई जा रही हो, उसके बारे में नहीं कह सकती। जब लोग हमारे बारे में बोल सकते हैं तो हम भी उनके बारे में बोल सकते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज अपनी सोच को सही रखें, और अगर किसी लड़की के साथ बुरा हुआ है तो मैं उसकी ज़रूर सपोर्ट करूंगी अगर सच में उसके साथ बुरा हुआ है, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख चुकी हूं जिससे मुझे कंफर्म हो चुका है कि किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ, और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो वीडियो एक्सपोज भी कर दूंगी कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तो बाकी आप अगर अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं और आप समझते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि ये चाय का कप उठा के उधर रख दें तो आप मुलाजिम हो गए हैं या आपके साथ नौकरों वाला बिहेव हो गया है, तो यार काम करने से कोई मुलाजिम नहीं होता। इवन अपना पिया हुआ चाय का कप रखने से कोई मुलाजिम नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं बोलूँगी तो आप लोगों के मुँह बंद हो जाएंगे, तो मुझे इस हद तक मजबूर ना करें कि मैं अपने आप को बचाते बचाते किसी को बिल्कुल सामने ले आऊँ। तो मैं नहीं चाहती, सबकी अपनी रिस्पेक्ट है, अगर आप मुझे इज्जत नहीं दे सकते तो आप मेरे बारे में कुछ बोले भी ना। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, और प्लीज़ बी पॉजिटिव, और अगर कहेंगे तो आगे भी मैं बहुत कुछ ला सकती हूँ जिससे आपको प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।